Hi, welcome to my channel. इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय सक्सेसिव सबट्रैक्शन ऑफ नंबर्स 1, 7, 19, 37, 61, 91, 127, 169, 217, 271, 233, 1397. सो बाय यूजिंग ऑल दिस नंबर्स हम क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे इन सभी नंबर्स का. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, एक बात आपको बता दूं, यदि आप चाहते हैं सक्सेसिव सबट्रैक्शन जो मेथड है इसका डेरिवेशन जानना कि ये कैसे आया और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं. यदि आपने देख लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके आगे जो प्लेलिस्ट होगा वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा. चलिए फर्स्ट यहाँ पर सॉल्व करते हैं. 64. सो लेट अस सबट्रैक्ट सक्सेसिवली दीज नंबर्स. तो यहाँ करेंगे क्या कि 64 में से 1 माइनस करेंगे, उसके बाद जो आएगा रिजल्ट उसमें 7 माइनस करेंगे, उसके बाद 19 माइनस करेंगे, एंड लाइकवाइज हम करते जाएंगे जब तक कि जो रिजल्ट है वो जीरो ना हो जाए. और जितने स्टेप में वो जीरो होगा दैट विल बी द क्यूब ऑफ दिस नंबर. तो लेट अस राइट वन. फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, 64 माइनस 1. ठीक है, पहले 1 माइनस करेंगे, 63. तो लाइक वाइज हम ऐसे ही कर लेंगे. स्टेप टू, तो आप देख रहे हैं यहां पर कि 64 में से जब मैंने 1 माइनस किया 63 आया. ठीक है, और 63 में से माइनस कर रहे हैं 7, इसका सेकेंड नंबर. उसके बाद 56 में से माइनस कर रहे हैं 19, तो 37 आया. 37 में से माइनस कर रहे हैं 37. देखिए लास्ट पर 37 माइनस 37 जीरो आ गया यहाँ पर. तो जब जीरो आ गया उसके बाद से कुछ करना नहीं है. जीरो आने के बाद बस समझ जाइए कि जितने स्टेप में ये जीरो आया है दैट स्टेप, दैट नंबर डिनोटिंग दैट स्टेप इज द क्यूब रूट ऑफ 64. ले सकते हैं कि सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, और हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4. दिस इज योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. चलिए सेकंड करते हैं. 512. ओके, तो लेट अस सब. ठीक है, क्या हमें मिलेगा? तो स्टेप नंबर 1, 512 माइनस 1 इज इक्वल टू 500. स्टेप 2, 511 माइनस, ओके. तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने ये सारे स्टेप्स लिख लिए हैं, तो फाइनली हमारा जीरो यहाँ पर भी आ गया है. 512 माइनस 1 इज 511, 511 माइनस 7 मीन्स 504, एंड 504 माइनस 19 मीन्स 485, 485 माइनस 37 इज 448, एंड 448 माइनस 61 इज 387, 387 माइनस 91 इज इक्वल टू 296. एंड फाइनली मतलब कि माइनस करते करते हम जो माइनस करेंगे सबको सक्सेसिवली और जीरो आ गया हमारा. तो हम देखेंगे कितने स्टेप में आया, तो यहाँ पर 8 स्टेप में आ रहा है. तो हम लिख लेंगे सो क्यूब रूट ऑफ 512, इसको बोलते हैं क्यूब रूट. ठीक है, जब यहां पर हम लगा देते हैं सर्ड, इसको बोलते हैं सर्ड. ठीक है, रेडिकल साइन. ओके, रेडिकल साइन है ये, और उस पर 3 लिख देते हैं तो बोलता है यहां पर कि मतलब इसका पावर जो है 1/3 है. तो दिस इज क्यूब रूट, इसी को डिनोट करते हैं क्यूब रूट से. और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 512, इसका आ जाएगा देखिए कितने स्टेप में किया, 8 स्टेप में. सो आंसर विल बी 8. चलिए चलते हैं थर्ड स्टेप, सॉरी थर्ड पार्ट. लेट अस सबट्रैक्ट. ओके, फाइनली हमने क्या किया है, यहाँ तक सबट्रैक्ट कर लिया और फाइनली हमारा जीरो आ चुका है. तो किस स्टेप में आया ये, जो है 12th स्टेप में जो है जीरो आया है. तो हम यहाँ पर क्यूब रूट निकाल सकते हैं. सो क्यूब रूट ऑफ 1728 1728 इज इक्वल टू 12.
केवल हमें देखना है कि कितने स्टेप्स में ये 12 आ रहा है सक्सेसिवली सबमिट करने पर इन दीज नंबर्स को। तो आप यदि जानना चाहते हैं कि कैसे ये मतलब सबमिट करने पर यहाँ पर मतलब क्यूब रूट आ जा रहा है, तो बिल्कुल आप अभी जो दिख रहा होगा आपको प्लेलिस्ट, वहाँ पर जाकर के सबसे पहला वीडियो देखेंगे आप, आपको बिल्कुल ही यही वीडियो जो डेरिवेशन है इसका, हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ सक्सेसिव सबट्रैक्शन, आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।